कामदारा में ईद का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक व शांतिपूर्ण तरीके के साथ मनाया गया। ईद के अवसर पर नवनूरी मस्जिद कामदारा में मौलाना रूहुल्लाह रिजवी ने ईद की नमाज पढ़ाया और अपने मुल्क के अमन चैन और अक्की की दुआ मांगी गई। तत्पश्चात सबों ने एक दूसरे से गले मिल ईद की मुबारकबाद दी। इससे पूर्व अपने बयान में मौलाना रूहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह की तरफ से बंदों को 30 रोजों का इनाम है। ईद शांति का पैगाम देता है और यह पर्व हमें आपस में खुशियां बांटने का मौका देता है। आपसी भाईचारे और खुशियों के साथ यह पर्व मनाया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें इंसानियत के साथ शिक्षा भी देता है, जिससे कि हम गरीबों की मदद करते हैं। अल्लाह की इबादत का यह दिन अपने लिए दुआएं बटोरने और दूसरों के लिए दुआएं बांटने का पाक दिन है। रमजान का पाकीजा माह गुजरने के बाद ईद खुशियों का पैगाम लेकर आता है। ईद के अवसर पर बड़े छोटे सभी नए लिबास में काफी उत्साहित थे, वहीं बच्चों में खासा उत्साह का माहौल रहा। ईद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम भी ईदगाह मस्जिद स्थल पर तैनात थी। ईद के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से ईद की मुबारकबाद दी। मौके पर अंजुमन के सदर मुशीर अलाउद्दीन खान, हुसैन खान, मुशीर इम्तियाज, नशीम अंसारी, रिजवान आलम, मुशीर शमशेर खान, नशीम खान पप्पू, मुशीर अफरोज खान, नदीम अंसारी, मुशीर शारिक समेत कमेटी के सभी लोग मौजूद थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।